ओके, सो लेट्स स्टार्ट विथ क्वेश्चन नंबर 10, राइट। यहाँ से हमारे क्वेश्चन सॉल्व करने बाकी थे। फाइन, सो यहाँ पे हमें क्या ऑब्जर्व करना होता है कि बेस इक्वल है कि पावर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी कैन ऑब्जर्व हियर कि हमारा जो बेस है वो इक्वल है, तो पावर का सब्ट्रैक्शन हो जाएगा, राइट। यस, एंड यहाँ पे तो ए रेज टू 8 अवेलेबल है, सो ए रेज टू 2 इंटू ए रेज टू 8 अगेन। एंड यहाँ पे हम क्या ऑब्जर्व कर सकते हैं, अगेन बेस सेम है तो पावर का एडिशन होगा इन द केस ऑफ मल्टीप्लीकेशन, सो 2 प्लस 8। सो इसका आंसर क्या आ जाएगा, यस ए रेज टू 10, राइट। ओके, सो दिस इज अवर फर्स्ट क्वेश्चन, राइट। ओके, लेट्स गो फॉर द सेकेंड वन। सेकेंड क्वेश्चन, उसका अगर हम सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे, सो डेफिनेटली सेम बेस होंगे, उनकी पावर का सब्ट्रैक्शन हो सकता है। तो वी कैन थिंक ऑफ कि 4:5 - 5, राइट, बिकॉज यहाँ पे दोनों 4:5 है। डायरेक्टली भी आप कैंसिल आउट कर सकते हो, बट टेक्निकली हम कैसे लिख सकते हैं वो जस्ट मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ आपको। फाइन, ए रेज टू, तो ए रेज टू 8 है, नीचे ए रेज टू 5 है, आई कैन राइट ए रेज टू 8 - 5। एंड सेम वे बी रेज टू 3 - 2, तो सिंपली सब्ट्रैक्शन होगा, तो 4:0 इंटू ए रेज टू 3 इंटू बी रेज टू 1। सो अल्टीमेटली वॉट वी गेट, यस 4:0 इज नथिंग बट 1, ए क्यूब, एंड बी रेज टू 1 इज नथिंग बट बी। सो फाइनल आंसर इज ए क्यूब बी, राइट। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट वन, टू क्यूब इंटू 2 होल स्क्वायर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ब्रैकेट को सॉल्व करना होगा अकॉर्डिंग टू बॉर्ड मास रूल, राइट। यस, सो ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे 2:1 हम काउंट कर सकते हैं, 2³ + 2:1, सो 2⁴ raised to the power 2। यहाँ पे हम क्या ऑब्जर्व कर सकते हैं कि डेफिनेटली यहाँ पे पावर का मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा, ए रेज टू द पावर एम, रेज टू द पावर एन की फॉर्मूला यहाँ पे हम अप्लाई कर सकते हैं, एंड सिंपली वी गेट द आंसर 2⁸, राइट। सो इस तरीके से ऐसे क्वेश्चंस को हम सॉल्व कर सकते हैं। फाइन, स्टेट 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 नहीं है, से ट्रू और फॉल्स, राइट, एंड जस्टिफाई योर आंसर। तो हमें जस्टिफिकेशन भी देना है, दैट मीन्स कि आपको इन्फॉर्म करना होगा कि आपका आंसर करेक्ट है, तो व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड इट, राइट। ओके, 10 × 10⁻¹ इज इक्वल टू दिस, सो डेफिनेटली वी नो दैट कि स्टेटमेंट फॉल्स है, बट व्हाट इज़ द रीज़न। तो अगर हमें रीज़न बताना होगा तो लेफ्ट हैंड साइड को अगर मैं सॉल्व कर रहा हूँ, लेफ्ट हैंड साइड को अगर मैं सॉल्व करूँगा तो व्हाट आई कैन राइट 10⁻¹ × 10⁻¹, सो कितना हो जाएगा, 10⁻¹ + 11, 10⁻¹², राइट। तो यहाँ पे 10⁻¹² होगा, ना कि 100⁻¹². बेस सेम है तो पावर का एडिशन होता है, राइट। यस, एंड हमारा जो राइट हैंड साइड है दैट इज 100⁻¹². अब हम कैसे कंपेयर कर सकते हैं कि ये दोनों वैल्यू सेम है कि नहीं, तो डेफिनेटली बेस को इक्वल बनाना होगा। तो बेस को हम इक्वल कैसे बना सकते हैं, वी कैन राइट 10² raised to the power 11, एंड दैट इज नथिंग बट 10⁻²। नाउ वी कैन कंपेयर कि एक है 10⁻¹², दूसरा नंबर है 10⁻², तो डेफिनेटली वो दोनों इक्वल नहीं है, सो एल एच एस इज नॉट इक्वल टू आर एच एस, हेंस प्रूव कि ये फॉल्स है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, 2³ is greater than 5² अगेन वी कैन से दैट कि ये ट्रू है कि फॉल्स, तो डेफिनेटली फॉल्स, कैसे, वॉट इज द रीज़न। वी कैन फाइंड लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2³, सो 2³ की वैल्यू क्या होती है, 8, 2 × 2 × 2, राइट। एंड राइट हैंड साइड की वैल्यू अगर हम फाइंड करेंगे, सो वॉट वी गेट, 5² सो 25। तो यहाँ पे पूछा हुआ है कि 8 is greater than 25, इज इट पॉसिबल, नो, राइट, तो ये फॉल्स हो जाएगा। फाइन, नेक्स्ट, थर्ड क्वेश्चन, 2³ × 3² = 6:5, राइट। तो लेट्स स्टार्ट विद द लेफ्ट हैंड साइड, और एल्स अगर आपको लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व ना करना हो क्योंकि वो ऑलरेडी प्राइम फैक्टर के फॉर्म में है, तो यू कैन जंप ऑन द राइट हैंड साइड डायरेक्टली। वॉट इज़ द रीज़न बिहाइंड इट, यहाँ पे हम ऐसा सोच सकते हैं कि 6:5 को हम कैसे लिख सकते हैं, इन द फॉर्म ऑफ प्राइम फैक्टर्स, मल्टीप्लीकेशन ऑफ प्राइम फैक्टर्स, सो 2 × 3 = 5,
यस डेफिनेटली. सो 2 इंटू 3 इज टू 5 इज नथिंग बट 2 इज टू 5 इंटू 3 इज टू 5. नाउ यू कैन कंपेयर द प्राइम फैक्टर्स. 2 क्यूब है यहाँ पे राइट, और यहाँ पे 2 इज टू 5 है तो नहीं मैच हो रहा है. 3 स्क्वायर है, 3 इज टू 5 है, नहीं मैच हो रहा है. सो डेफिनेटली कोई भी नंबर अगर इक्वल है तो उसके प्राइम फैक्टर्स इक्वल आने चाहिए राइट. वो नंबर को डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म में आप रिप्रेजेंट कर सकते हो बट फाइनल आंसर जो प्राइम फैक्टर्स जो है वो इक्वल आने चाहिए राइट. और यहाँ पे वो इक्वल नहीं है तो ये फॉल्स होगा. चलिए नेक्स्ट वन, वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन एंड वन ऑफ माई फेवरेट राइट, फोर्थ. एंड द स्टेटमेंट इज दैट एनीथिंग रेज टू जीरो इज वन अदर देन जीरो राइट. तो 3 रेज टू जीरो दैट इज ऑल्सो वन. एंड राइट हैंड साइड पर अगर हम सॉल्व करेंगे दैट इज 1000 रेज टू जीरो दैट इज ऑल्सो वन. क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसा सोचते हैं कि 1000 है एक साइड पे 3 है तो डेफिनेटली 1000 बड़ा होगा. बट किसी की भी पावर अगर हम जीरो करेंगे सो वी गेट द फाइनल आंसर एज 1. तो डेफिनेटली ये LHS और RHS की वैल्यू इक्वल है तो ये ट्रू होगा. फाइन,